नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन सात फेज के इस चुनाव में, जब पहले और दूसरे फेज के चुनाव में मतगण लोगों का मतदान में रुझान कम दिखा, वोट परसेंटेज कम रहा, तो हम लोगों ने शुरुआत में फर्स्ट फेज में एक मुद्दा बनाया कि सोमवार और शनिवार को चुनाव क्यों हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह तिथि क्यों चुनी, शनिवार और सोमवार? क्या जानबूझकर? सतीश जी ने एक मुद्दा बनाया कि चुनाव आयोग में कौन काली भेर है जो मोदी को पछाड़ना चाहता है। हम लोगों ने नया ये मुद्दा बनाया कि जून में चुनाव, मई और जून में क्यों इतनी तपती दुफरी में, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अब की बार की गर्मी रिकॉर्ड गर्मी होगी, तो क्यों जून मई ही चुना गया चुनाव के लिए? क्यों शनिवार और सोमवार ज्यादा देर? सात फेज में पांच फेज के चुनाव शनिवार और सोमवार कोई क्यों हुए? शुक्रवार और सोमवार को ही क्यों हुए? अच्छी बात यह है कि चुनाव समाप्ति के बाद तुरंत बाद मतगणना के एक दिन पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात को स्वीकार लिया। इसका मतलब है कि पीएमओ तक ये बात गई जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने मुद्दा उठाया। वो क्या? वो ये कि चुनाव आयोग में कौन काली फेर है। अपनी गलती मानते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा, जरा इसे सुनिए। सही है, जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि इलेक्शंस गर्मी से थोड़ा पहले होने चाहिए और फ्राइडे और मंडे को भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। हमने सारे जितने पुराने 10-12 असेंबली इलेक्शंस हुए, सब में ऐसा ही किया था। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कभी त्योहार है, कभी छुट्टी है, कभी CBSE है, कभी फोर्स का मूवमेंट है, हम नहीं कर पाए, लेकिन थ्योरेटिकली बात सही है कि हमें ये करना चाहिए। जी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वीकार किया कि एक गलती हुई। भारत बहाने उन्होंने ये भी बनाए कि देश में कभी पर्व त्योहार होता, कभी गर्मी की छुट्टी कभी होती है, कभी अलग अलग तरह के एग्जाम होते हैं, इन सब चीजों को उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बात दूर तलक गई। अब आप जरा सुनिए कि हम लोगों ने जो लगातार फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद ही जो बात कही थी, वो ये कि क्यों, कौन है वो काली भीर। वो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्या मुद्दा था उसको सुनिए, उसका इंपैक्ट चुनाव आयोग पर क्या पड़ा, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आज उत्तर प्रदेश ने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है भाजपा के लिए, ये बिल्कुल कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। और आज जो गिरावट है वो चौंकाने वाली गिरावट है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस कदर गिरावट आएगी। यानी आज की जिन 8 सीटों पे मनीष जी वोटिंग हुई है, इनमें पिछली बार 2019 में 62-63% के बीच में वोटिंग थी, मतलब आप मान लीजिए 62.5% वोटिंग थी इन 8 सीटों पर, और अब की ये वोटिंग 7.5% गिरकर 55% पे आ गई है, ये दूसरे ही चरण में है। तो ये अनायास या ऐसे नहीं है, ये इसकी जिम्मेदारी का एक हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन भाजपा को अगर यही गिरावट आगे चलती रही तो निश्चित तौर पर वो जो प्रधानमंत्री 370 और 400 पार और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो एक कहीं कोने में पड़ा नजर आएगा। इसीलिए जो हम लोग का वीडियो पड़ा है मार्च का, वो गवाही देगा कि जो कुछ हम लोगों ने कहा था उसमें सबसे पहले मैंने बार बार कहा था कि ये वोट परसेंटेज नहीं गिरना चाहिए, लेकिन 7.5% वोट गिरा है, 55 है। चलिए एक इसमें मान लीजिए कि 1.5% बढ़ जाएगा एक आध दिन के अंदर, एक आध दिन बढ़ता है हो तो बहुत बढ़ेगा, 56% आ जाएगा, 56-57% आ जाएगा, फिर भी 5-6% की गिरावट। और ये वो इलाका है जहां पर भाजपा की गिरावट करके उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। और ओवरऑल मनीष जी, जरा दर्शक समझ ले कि ये प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए, उनकी जो टीम बैठी है उसको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी साजिश है, और उस साजिश में बैठा कौन है, इस साजिश में कौन लोग बैठे, अंतर अभी दर्शकों की समझ में आ जाएगा। ये केवल यूपी का नहीं, यूपी में तो खैर चौंका ही रहा है, यूपी में तो कई और भी कारण है कि ऑल ओवर इंडिया 2019 की तुलना में वोट कम पड़ रहा है।
4-5% की कमी है। पिछली बार 67.04 था, अब की वो औसत पे नहीं पहुंच रहे, अगल बगल उसके नहीं पहुंच रहे, उससे काफी नीचे हैं, 4-5% नीचे हैं, हैं सेफ जोन में, हैं सेफ जोन में, लेकिन वो मैंने कहा ना कि वो जो 370 400 पास वो फिलहाल अभी कहीं इसी अगर पैटर्न रहा तो नजर नहीं आ रहा, तो नजर नहीं आ रहा। बस बहुत धूमधाम से बड़े बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी, लेकिन आप उससे बहुत दूर हैं। कि इसका एक तो मनीष जी कारण यह है, पिछला था, मैंने कहा जरा अगला और देख लूं कि यह चुनाव आयोग में बैठकर तारीखें कौन तय करता है। अभी बताऊंगा दर्शकों को, उससे मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे कि और चुनाव आयोग पर आप पूरा दोष नहीं डाल सकते। चुनाव आयोग जो है, पूरे आप पढ़ते होंगे टेलीविजन पे आती है कि चुनाव आयोग सारे राजनीतिक दलों को बुलाकर उनकी सलाह करने के बाद ही तारीखें ये तय करता है। तो भाजपा से कौन नेता गए थे जरा सलाह देने चुनाव आयोग की, उसका कारण बता दूं मनीष जी। कि मैं यूपी के संदर्भ में बात करूंगा, वो बाकी पूरे आपके वो देश पर लागू हो जाएगी। कि ये जो 7 चरण के चुनाव हो रहे हैं मनीष जी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें केवल एक चरण को छोड़कर, जो 7 मई का है अगला चरण है, उसको छोड़कर सारे सारी तिथियां जो हैं वो मालूम है किस डेट पे हैं, जहां पर 3 दिन की छुट्टी हो जाती है। यानी ये जो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल का था, इसमें शुक्रवार को वोटिंग थी, यानी छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, तो 3 दिन की छुट्टी तो एक बड़ा तबका है जो कहता 3 दिन की छुट्टी मिली वो डालना छोड़ो, चलो कहीं अपने वो काम निपटाया, शादी ब्याह निपटाया, जो जो भी उसका है, तो वो बाहर निकल जाता है। और आप ऐसी संख्या कम से कम 2% तो मानिए ही मानिए। तो ये शुक्रवार को वोटिंग करके छुट्टी देना, यानी 3 दिन की छुट्टी देना, तो 3 दिन की छुट्टी आदमी जो है कुछ ऐसे मूर्ख कह लूं, धूर्त कह लूं, लेकिन वो है, आपको मानना पड़ेगा कि वो चले जाते हैं। तो ये 3 दिन की ऐसा वोटिंग का तिथि क्यों रखी? और आगे भी जो है, आगे भी बनी जो तिथियां हैं वो, मैंने कहा 7 मई छोड़ दीजिए, तो 20 मई को सोमवार, यानी शनिचर, इतवार, सोमवार, फिर 3 दिन की छुट्टी, 25 मई को है तो शनिवार, तो शनिवार इतवार, 2 दिन की फिर भी छुट्टी है, और वही है 1 जून की। तो ये छुट्टियों का जो क्लब हो जाता है, इससे क्या परिणाम पड़ता है, आप जरा इसको मैं उदाहरण से बता दूं दर्शकों को। कि पिछली बार बनी थी, मैंने कहा ना, मैं 2019 का, कि 2019 को जो पहला पहला यही पहला राउंड जब था 11 अप्रैल को था, तो वो वोटिंग हुई थी बृहस्पतिवार को, यानी कहीं आगे पीछे छुट्टी नहीं थी, एक ही दिन की छुट्टी थी वोटिंग वाले दिन की, और वोट पड़ा था 63.7, यानी 64%। और जो दूसरा चरण था जिसमें अब की 55% पड़ा है, वो भी बृहस्पतिवार को था, वो बृहस्पतिवार को था, आगे पीछे छुट्टी नहीं थी, क्लब नहीं होती थी छुट्टी, तो वोटिंग हुई थी 63%, 62.5%, तो 63% हुई थी, जो अब की 55 पे आके अटक गई है। तो एक तो ये छुट्टी देने वाला, दूसरा मरीज जी गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है, पिछली बार 11 तारीख को वोट पड़ा, 11 अप्रैल को वोट पड़ा, 18 अप्रैल को वोट पड़ा, 23 अप्रैल को वोट पड़ा, अब की ये इतनी 10 दिन बढ़ाकर, क्योंकि एक एक दिन लगातार गर्मी बढ़ रही, तो गर्मी का भी इसमें बड़ा रोल है। और एक चीज और, ये है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाके हैं और इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ये दोनों तारीखें जो रखी गई, 19 तारीख भी और 26 तारीख भी, ये दोनों दिन विवाह की तिथियां हैं। तो ये जब आप क्लब कर लीजिए, तो 2-3-4% तो गर्मी, विवाह की तिथियां और प्लस छुट्टियां क्लब, तो वो 2019 में नहीं था, तो आपको 4-5% का तो घाटा ऐसे ही हो रहा। और ये जो भाजपा की तरफ से जो लोग सलाह देने गए थे चुनाव आयोग को, उनको नहीं मालूम था कि ये मध्यम वर्ग जो है हमारा, जो नौकरी पेशा वर्ग है या जो व्यापारी वर्ग है, वो किसका वोटर है, और उसको जब इस तरह करेंगे तो उसमें 2-3% का क्षय होगा। तो ये तो एक बड़ा कारण था जो आपको गिरावट नजर आ रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात गर्मी की भी थी कि मई और जून में क्यों। तो फिर हमने यह भी मुद्दा उठाया कि इतनी गर्मी में क्यों। वाराणसी में सतीश जी जब गए, सतीश जी ने वाराणसी की गर्मी को जब देखा, तो उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया था। बनारस में जो प्रधानमंत्री मोदी की मनीष जी अग्नि परीक्षा है, एक तो चुनावी जो मैंने पहले दिन कही थी, और कल आज के बाद तो मैं और ज्यादा गंभीरता से कहूंगा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव जब खत्म हो जाए तो चुनाव आयोग की एक जांच जरूर करा लें, सीबीआई या आईबी से, कि उसमें काली भेड़ कौन बैठी है। मनीष जी जरा पहले खबर दिखा दीजिए वो ट्विटर की, उसके बाद बात करते हैं। आप लगातार चुनाव आयोग की काली भेड़ की बात करें, मैंने उस वीडियो को एक अलग से भी काट कर देखा था, डाला था, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंचेगी
और फिर ये उस काली भेड़ की बात जो आपने उस समय कहा था कि चुनाव शुक्रवार को या सोमवार को ही क्यों हुए वोटिंग कम परसेंट के लिए, अब आप एक नए सिरे से। तीन खबरें हैं मनीष जी और दर्शक के तीनों दे रहे हैं, ये मैंने जोड़ दी थी दोनों। ये पिछले साल मई के महीने में ही संयुक्त राष्ट्र ने ये मनीष जी पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी कि अगले जो 5 साल है यानी 24, 25, 26, 27 ये अब तक के कालखंड के मतलब जब से समझिए पृथ्वी का अस्तित्व है ये सबसे महंगे सबसे गर्म 5 साल होंगे, ये इनमें सबसे ज्यादा गर्मी इन 5 सालों में पड़ेगी 23, 24, 25, 26, 27। और ये चेतावनी आज से 1 साल पहले दी गई थी, इसीलिए मैंने इसमें कई खबरें लगाई, सब उसका पुष्टि कर रहे हैं और एक हिंदी भी खबर लगा दी ताकि दर्शक जाके उसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 5 years hottest ever likely to exceed 1.5C target UN warns। हाँ, और ये फ्रांस की खबर है, ये इंग्लैंड, ये इजराइल के अखबार की सभी खबर है, ये लोकल खबरें नहीं है ये। और उसके बावजूद जब ये चेतावनी 1 साल पहले पूरी दुनिया से आ रही थी, उसके बाद बनारस में वोटिंग 1 जून को बनी थी, और वो ये किसने तय किया था, ये कौन सी साजिश थी, कौन सा चुनाव आयोग, कौन सा अध्ययन कर रहा है, इसकी प्राथमिकताएं क्या है चुनाव तय करते समय, ये क्या तय करता है। और जरा दर्शक समझ लें कि 2019 में 19 मई को बनारस में वोट पड़ गया था, 19 मई में बनारस को वोट पड़ गया था और उस दिन बनारस का जो टेम्परेचर था वो 41 डिग्री था, तो गर्मी थी लेकिन ऐसी गर्मी नहीं थी। और कल समझिए मंगलवार को, आज है 28 तारीख को बनारस में गर्मी का 140 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। जरा मनीष जी कल्पना करिए कि क्या स्थिति है कि 140 साल पहले बनारस में गर्मी पड़ी थी सन 1884 18 मई, सारे अखबारों में बनारस के अखबार रंगे हुए हैं कि 18 मई 1884 के बाद इतनी गर्मी अब पड़ी है। और ये 28 तारीख की थी, 29 तारीख को 47.6, 29 तारीख को 46.7 और आज भी 46.7। मनीष जी हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बाहर निकले होटल से, 48 डिग्री सेंटीग्रेड में आप बनारस में आप कार में चल नहीं सकते क्योंकि ऐसी इतना यातायात है, पैदल ही आपको टहलना है। और अभी दर्शकों को बताऊंगा कि ये जो खैरातियों को आप देखते हैं वो बनारस है ही नहीं, मैं कई बार पहले भी कहता रहा हूँ ये अपनी सुविधा के हिसाब से टहलते बनारस है गलियों में, जो पुराना बनारस है जो वास्तव में बनारस है, इन खैरातियों ने उसकी भी पहचान बदल दी। तो वहां पर आप जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड में आप निकल ही नहीं सकते। तो ये चुनाव की तिथियां तय करते समय और खासकर जो अंतिम दो चरण है, तो यहाँ मनीष जी 48 डिग्री सेंटीग्रेड 47 डिग्री सेंटीग्रेड जब जिस समय तापमान होगा कौन जाएगा वोट डालने, 1 जून को जिस समय चुनाव हो रहा होगा तो वहां पे वोटिंग कम हो, मतदान का प्रतिशत गिर जाए, ये पूरी प्रबंध चुनाव आयोग की तरफ से है और वो पूरे चुनाव के चरण में ये चला है। हम लोग लगातार मैं तीसरी चौथी बार आज कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर कोई बड़ी कुर्सी पे चुनाव आयोग में कोई भयंकर काली भेड़ बैठी जो जिसके पास सोरोस की रकम भी पहुंच रही है, सोरोस ने उस पर भी क्योंकि उसने चौगिरदा मार की, उसने 8,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को हराने हटाने के लिए खर्च करने की बात की, तो उसने कोई ये गदौर यादव थोड़ी दे दिए इसको, उसने कुत्ते का टुकड़ा डाला होगा, उसने चौगिरदा मार की लेके मीडिया से और चुनाव आयोग तक। और इसीलिए दर्शक जरा ध्यान करिए कि एक तरह से इंडी गैंग इसीलिए हल्ला मचा रहा था चुनाव आयोग के खिलाफ ताकि इनकी उस काली भेड़ पर किसी को शक ना हो, किसी का ध्यान उस काली भेड़ की तरफ ना जाए। तो वो काली भेड़ कौन है चुनाव आयोग में, ये प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, चुनाव के बाद अब तो चिड़िया चुग गई थे, लेकिन इस पर निश्चित ध्यान दें क्योंकि इसमें कई फैसले ऐसे हैं चुनाव आयोग के जो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चुनाव का सत्यानाश करने वाले फैसले थे। अच्छी बात यह है कि इस तमाम चीजों को बेहद गंभीरता से लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि फर्स्ट और सेकेंड फेज में ही चुनाव आयोग की इस गलती से 36 मतदान कर्मियों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग आम लोगों की मौत हुई, तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इतने बड़े बड़े अधिकारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सहयोग से जो ये फैसले लेते हैं उसमें चूक कहां होती है? अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री बन तो गए दोबारा,
नरेंद्र मोदी, लेकिन कुछ परसेंटेज वोट के कारण बहुत कुछ फर्क पड़ सकता था और यह फर्क बुनियाद हिला सकता था। तो क्या एक बड़ी साजिश थी जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने उस पर सफाई दी? उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि भविष्य में कभी शुक्रवार या सोमवार को चुनाव नहीं होंगे, उस पर अमल होगा और इतनी प्रचंड गर्मी में कभी चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी यज्ञ में आहुति देने की जिम्मेदारी सबकी होती है ताकि भारत का लोकतंत्र मजबूत रह सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारा चलाया ये मुहिम एक रंग लाया, बात पीएमओ तक गई, बिना प्रधानमंत्री के एक्शन के संभव नहीं था। लगातार हमने ये जो मुहिम चलाया, एक पत्रकार के रूप में खुशी है हम लोगों को कि उस पर अमल हो पाया। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि बात दूर तलक जाए और चुनाव आयोग दोबारा फिर ऐसी गलती ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।